"قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حاضرین غرامي जादू और जन्नात की हकीकत, असरात इसबाब इलाज के तल्ल से सिलसिलावार दुरुस हमने मालूम किए। आज की इस आखिरी कड़ी में हम मालूम करेंगे कि जिन्नात और आसफ़ जदगी का इलाज करवाना कैसा है और इलाज कैसे करना चाहिए जादू के इलाज के ताल्लुक से हमने इससे पहले चंद बातें मालूम की हैं आसिफ की उसी का एक हिस्सा है पार्ट है तो सबसे पहले इंसान को मोमिन को यह शेवा होना चाहिए कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो की के शिकार हैं परेशानी में तकलीफ में मुबतला है तो उनको चाहिए कि वो मायूस ना हो मायूस ना हो बल्कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखें हौसला रखें अल्लाह ताला ने सरा यूसुफ में फरमाया, फरमायासुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने बचपने में कुएं में डाल दिया लेकिन उनके वालिद मोहतरम को आखिरी वक्त तक मायूसी नहीं थी अल्लाह तो तला ने उसी वाक्य के जिम्न में फरमाया, फरमायासुम कौमल का फिर अल्लाह की रहमतों से मायूस होने वाला तो काफिर ही होता है तो सबसे पहले चाहिए कि हम अल्लाह की जात से मायूस ना हो दूसरी बात इलाज करना चाहिए और इलाज कराते हुए सबसे पहले मुआलिज यानी इलाज करा इलाज करने वाला इलाज करने वाला उसको किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए इलाज करने वालों के लिए हिदायत और जरूरी मालूमत पहली बात इलाज कराने वालों के दिलो दिमाग में यह बात हो कि शिफा देने वाली जात अल्लाह है मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है अल्लाह के कलाम की तासीर है अल्लाह का फजल करम और एहसान है शिफा देने वाली जात अल्लाह की है मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है और दूसरी बात इलाज कराने वालों को चाहिए मालिज को चाहिए इलाज करने वाले को चाहिए कि वो इलाज करने से पहले खुद अपना अकीदा दुरुस्त रखें शिरकिया कुफरिया बातों से शरीयत की खिलाफ वर्जी से परहेज और गुरेज करें पर उसके बाद इलाज करने से पहले बावजू हो वो खुद नमाज सोम सलाद के पाबंद हो और मसनून तरीके से इलाज करें गैर मसनून तरीके से इलाज ना करें फिर इसी तरह से उसको खुद चाहिए कि अपने बचाव के लिए अपने एहतियात के लिए सुबह शाम की अस्कार की पाबंदी करें सौ मसलात की पाबंदी करें दूसरी बात जिस जगह पर इलाज कर रहा है उस जगह को भी पाक साफ रखें गैर शरा चीजों से शिरकिया बातों से शिरकिया चीजों से उसको पाक साफ करें इलाज करने वालों को चाहिए कि अपना जिसम अपने कपड़े को भी पाक साफ रखें फिर इसी तरह से इलाज करने वालों को चाहिए कि इलाज उसी वक्त शुरू करें जब उनको मुख्तलिफ के बारे में पता चले किसी को गलत सलत ना बताएं। क्या होता है आजकल हेल्थ के नाम पर सबसे ज्यादा डाका डाला जाता है क्योंकि आदमी बीमारी के वक्त में टूट जाता है परेशान हो जाता है अब उसको डरा धमका के परेशान कर कैसा हुआ वैसा हुआ ये करना वो करना जैसे आजकल कर आप जानते हैं हॉस्पिटलों में डॉक्टरों का जो हाल है तो ऐसे ही जो शराय इलाज करें उसको भी चाहिए कि गलत बयानी से काम ना लें किसी के जज्बात से खिलवाड़ ना करें बल्कि सही बातों को बताएं और सही तरीके से इलाज करें फिर एक मरतबा से इलाज नहीं हुआ तो कई बार इलाज मुसलसल करना चाहिए फिर उसके बाद मरीज के लिए जो इलाज करवा रहा है बीमार के लिए जरूरी हिदायत क्या है सबसे पहले बजरिये अजान व मसनून वजायफ जो इलाज कर रहे हैं इलाज कराने वालों को चाहिए कि मरीज खुद इन बातों का भी एहतमाम करें मरीज यानी जो बीमार है जिस पर असरात हुए हैं वो खुद इन बातों का अहतमाम करें कि वो खुद अजान दें अजान के जरिए से शैतान भागता है अजान दें सुरा बकारा मुसलसल पढ़ते रहें सुरा बकरा मुसलसल पढ़ते रहें और अगर कुछ ऐसे जाहिर हो कुछ अलामतें मैं सरसरी बताता हूं तो समझ लें कि उनके अंदर कुछ मसाइल हैं वो परेशान ना हो सही तरीके से इलाज करें बेदारी के हालात के कुछ अलामत ऐसे हैं बगैर बे, किसी तबी सबब के कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ इश्यू नहीं है लेकिन उसके जिस्म में कहीं दर्द है कहीं परेशानी है कहीं फोड़ा पुंसी है और जाहिर तौर पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अंदरूनी तौर पर परेशान हाल है फिर इसी तरह से मुख्तलिफ अवकात में दौरे पड़ते हो कि खास खास अवकात में मिर्गी का दौरा हो पागलपन का दौरा हो इस तरह के वो बेहोश हो जाने की कैफियत हो फिर इसी तरह से अचानक मरीज जो है चिल्लाना चीखना शुरू कर दें, और कभी कभार जानवरों जैसी आवाजें भी निकालता है फिर इसी तरह से आजान या तिलावत कुरान सुनकर वो बेचैन हो जाता है अजान की आवाज सुन के तिलावत सुन के बेचैन हो जाता है बेकरार हो जाता है परेशान हो जाता है तो ये भी एक अलामत है फिर इसी तरह से ना तो सफाई सुथराई और पाकिजगी को पसंद करता है बल्कि नापाक रहना पसंद करता है गुसल करना पाक साफ रहना उज़ू की हालत में रहना तहारत की हालत में रहना उसको पसंद ना हो बल्कि गैर तरह तहारत की हालत उसको ज्यादा पसंद हो हम वक्त जहनी परेशानी सुस्ती और काहिली में मुबतला हो हर वक्त सुस्ती काहिली परेशानी इस तरह की चीजों में मुबतला हो फिर इसी तरह से बाजों की एक कैफियत होती है कि आंखें कोशिश के बावजूद ना खुले कोशिश करते आंख खोले लेकिन खुल नहीं पाता है आंख खोल नहीं पाता है इतनी सुस्ती काहिली नींद का गलबा होता है फिर नींद की हालत में भी कुछ ऐसी है कि नींद की कमी बेखाबी की कैफियत तारी हो नींद ना आए नींद ना लगे लाख कोशिश के बावजूद नींद नहीं आ रही है नींद लग रही है थोड़ी थोड़ी में नींद उछट जा रही है ये भी है फिर इसी तरह से नींद में बार बार डर होना डर जाना नींद में डर दर जाना डरावने ने खाब देखना फिर इसी तरह से ख्वाब में खौफनाक चीजें देखते रहना सांप कभी जो ऊंट उसको डरा रहा है कुत्ता भगा रहा है शेर लोमड़ी भगा रहा है बहुत बड़े बड़े चूहे उसको परेशान कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये कुछ अलामतें हैं फिर ख्वाब में कभी ऊंची जगह से उसको गिरा दिया जा रहा है पानी में डुबो दिया जा रहा है ऐसी कुछ चीजें हैं कि कभी उसका गला घोट दिया जा रहा है या उसको कोई मारने डराने आ रहा है इस तरह की चीजें ख्वाब में देखें तो ये भी उसकी अलामतें हैं कि इन पर कुछ असरात हैं इलाज के मुख्तलिफ मराहिल। इलाज के तीन मरहला है एक है इलाज से पहले के मरहला दूसरा है इलाज का मरहला तीसरा है इलाज होने के बाद का मरहला इलाज से पहले जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया आदमी का अकीदा सही हो घर बार का माहौल सही हो दीन के पाबंद हो और सुबह शाम के अस्कार के पाबंद हो शिरकिया बातों को छोड़े अपने दिल में हिम्मत और हौसला रखें ये बातें होती है बाकी सफाई का अहतमाम करें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें कुरान की तिलावत कसरत से किया करें और एक है इलाज जब हो तो इलाज करते हुए मरीज को सही तरीके से इलाज करें उसमें यह है कि दम करें और दम करने के लिए रुकिया की जो आयतें हैं वो क्या क्या है? हैं रुकिया की आयतें तो मैं सरसरी तौर पर बता देता हूं कि सबसे पहले अवजिल्ला पढ़ें। मिन मिन ही ही ये पढ़ें। फिर उसके बाद अल्लाह पर तो कलीमात है, ला इल्ला ये सब कलिमात जो मसनून है मसनून दुआएं हैं असकार हैं और सुनत रसूल से साबिशुदा वो पढ़ें बाद बिस्मिल्ला पढ़ें सरा फातिहा पढ़ें शरा फातिया के बाद सोरा बकारा की आयत नंबर एक से पांच तक पढ़ें फिर उसके बाद सोरा बकारा की आयत नंबर एक सौ दो पढ़ें फिर सोरा बकारा की आयत नंबर वन सिक्सटी थ्री से वन सिक्सटी फोर पढ़ें फिर सोरा बकारा की आयत नंबर टू फिफ्टी टू यानी आयतुल कुर्सी पढ़ें फिर सोरा बकारा की आयत नंबर टू ए फोर से टू एटी सिक्स तक पढ़ें फिर उसके बाद सराह बकारा की जो आखिरी आयतें हैं तकरीबन आखिरी आयतें हैं वो पढ़ें फिर शराह आलिमरान की आयत नंबर अट्ठारह और उन्नीस पढ़ें फिर उसके बाद शरा आराफ की आयत नंबर चौवन यानी फिफ्टी फोर से फिफ्टी सिक्स तक पढ़ें फिर शरा आराफ की आयत नंबर वन सेवनटीन यानी वन वन सेवन से वन टू टू तक वन ट्वेंटी टू तक पढ़ें फिर यूनुस की आयत नंबर 80 पर 1 से 81 से लेकर 82 तक पढ़ें फिर सूरह ताहा की आयत नंबर 69 पढ़ें फिर इसी तरह से सूरह मोमिनून की आखिरी चार आयतें पढ़ें फिर सूरह साफात की आयत नंबर 1 से 10 तक पढ़ें सूरह काफ की आयत नंबर 29 से 32 तक पढ़ें सूरह रहमान की आयत नंबर 33 से 36 तक पढ़ें 33 से थर्टी 36 सूरह अल हشر की आयत नंबर 21 से 24 तक पढ़ें जिन की आयत नंबर एक से नौ तक पढ़ें फिर उसके बाद शरा इखलास पढ़ें और शरा फलक पढ़ें नास पढ़ें ये आम तौर पर जो शहर वगैरह हुआ हो जादू हो असरात हैं जदकी के तो इन आयतों को पढ़ें कुछ और भी सूर आयतें हैं और कुछ और भी दुआएं हैं इनको इसमें ऐड कर लेना चाहिए इनको पढ़ें और उसके बाद अगर पढ़ते हुए जिन हाजिर हो जाए तो क्या करें जिन हाजिर हो जाए तो डरना नहीं परेशान नहीं होना उससे डट के हिम्मत के साथ मुकाबला करना और डराने की कोशिश करेगा डरना नहीं बल्कि उसको डराना है और जैसे कि हमने इससे पहले मालूम कि सलि हिंद में से बहुत सारों के ये अमल रहा है कि मैंने तयमिया रही और दीगर का कि वो बात करते और कहते कि निकल जा यहां से तू चले जा खुद आप ने भी ये काम किया है

कभी अपने सगे रिश्तेदार का नाम लेगा कि उसने भेजा है उसने तुम पे जादू कराया है जबकि उसने किया नहीं झूठ बोल के लड़ाने के लिए रिश्ते नाते को तोड़ने के लिए करेगा तो इससे भी हमें परहेज करना चाहिए कि शैतान की हर बात पे भरोसा नहीं करना है लेकिन वो अगर बात कर रहा है उसको डरा धमका के कोशिश ये करना तो निकल जा जल्दी से तुझे तुझसे ज्यादा बात नहीं करना क्योंकि वो बातों में गुमराह करने की कोशिश करेगा ये हुआ और फिर जिनको नसीहत करना चाहिए कि अगर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान हो जाए ये गलत काम है ये छोड़ दे उसको नसीहत वगैरह करना चाहिए उसको समझाना चाहिए और इस तरीके से उसको कोशिश करना है कि उसको यहाँ से भगा दें यहाँ से भगा दें एक बात यह है कि इलाज हो जाए निकल गया इलाज होने के बाद हमें क्या करना चाहिए भगाने के बाद इलाज होने के बाद हमें चाहिए दुआ असकार की पाबंदी करें और मुसलसल अल्लाह तला से पना मांगते रहें शैतान मरदूद से अल्लाह तना तलब करते रहें और शराबरा वगैरह की तिलावत मसलसल सुनते रहें तो उसकी वजह से क्या होगा अल्लाह तबरक तला की हिफाजत में हम लोग आ जाएंगे और इसके अलावा जिन चीज़ों में अल्लाह ने शिफारत की मैंने कल भी कहा यानी कुछ माद चीज़ें जाहिर चीज़ जैसे अजवा खजूर है जमजम का पानी है कलौजी है ब्लैक सीड्स है फिर इसी तरह से बारिश का पानी है बेर का पत्ता है शहद है इन चीजों का भी कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए इन शाह तला की मर्जी से शिफा मिलेगी दुआ जरबूल से अल्लाह तबरक हमें और आपको जादू जन्नात आसिफ़ की के असर से महफूज रखें और जो लोग जो लोग मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाएँ उनको, उनको शिफाई कुल्ली अता फ़रमाएँ और इन चीज़ों में से जो चीज़ें हमने बताई है अगर कोई कोताही गलती हुई है अल्लाह तला ताला मेरी तरफ से शैतान की तरफ से अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए और जो सही चीज़ें हैं व्ला की तरफ से अल्लाह हम उसके कबूल करने की तोहफ़ी अतः फ़रमाएं आमीर सबानी का शद्लां अस्तकफर का तोबिल कोसलानबी महमद